नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर जनपद सुल्तानपुर, आज दिनांक 3/4/2023 को ग्रीस पांडे भारतीय किसान यूनियन अमरावती गुट जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर के नेतृत्व में लंबा पुरानी तहसील में किसानों का धरना प्रदर्शन यूनिट मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय का घेराव किया गया, जिसमें एसडीएम लंबा तहसीलदार दोनों लोग मौके पर आकर सब समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सभी मामलों में डेट दिया। समस्याओं को 10 दिन के अंदर निस्तारण कर किसान द्वारा 11 सूत्र मांग पत्र दिया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंडित रूपेश शुक्ला जी, प्रदेश महासचिव अनिल प्रताप सिंह, प्रवक्ता नवल किशोर मिश्रा, यू जिला रोहित तिवारी जी, भौतिया ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पांडे, लंबुआ ब्लॉक अध्यक्ष माजिद खान जी, प्रतापपुर कमेचा में ब्लॉक अध्यक्ष धर्मराज तिवारी, मुरलीधर शुक्ला जी, अरविंद तिवारी जी, प्रदीप पांडे जी, रामलट पाल जी, राधेश्याम पाल जी, गौरव पांडे जी, गणेश पांडे जी, यू सैकड़ों की संख्या में किसान सदस्य वहाँ पर मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट रवि शंकर तिवारी के साथ सुल्तानपुर। भ्रष्टाचार, आप देखिए पिछले 7-6 सालों में मैंने अनुभव किया, पहले 100 रुपए हमारे धान का मूल्य बढ़ता था साल में, अब कभी 40 पैसे और कभी 60 पैसे बढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलता और आप अपने घर बैठे रहते हो। आपका धान खरीदा नहीं जाता है मंडियों में, आपका धान क्रय केंद्र पे खरीदा नहीं जाता है और आप अपने घर पर बैठे रहो और रोना रोते रहो कि हमें अधिकार हमारा नहीं मिल रहा है। अधिकार मिलेगा कैसे? पहुंचो 10-20 लोग और बैठ जाओ, कहो कि हम। नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको देश और दुनिया की कोई खबरें मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर।